पबजी अगर आप भी खेलते हो तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर और अपडेट आ रही है। क्या दोस्तों, आज ही भारत में पबजी लॉन्च हो सकता है? जी हाँ, दरअसल पबजी मोबाइल इंडिया के भारत में वापसी रीलॉन्चिंग को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है दोस्तों पबजी को लेकर कि टीजर इसका लॉन्च हो चुका है और अब गेम का इंतजार है और आज कल में ही पबजी वापस लॉन्च हो सकता है। और ऐसे में असल में अपडेट ताजा खबर क्या आ रही है, आरटीआई के जरिए ये जानकारी मिली, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल पबजी के इंडियन वर्जन को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर काफी क्रेज और ट्रेंड शुरू हो रहा है। पबजी इन्फ्लुएंसर और पबजी प्लेयर्स का यह मानना है कि पबजी मोबाइल इंडिया इसी महीने यानी कि जनवरी 2021 में लॉन्च हो सकता है। कुछ यूजर्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये गेम आज कल में ही रिलीज होगा। वैसे तो पिछले 3 महीने से ही पबजी फैंस पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही इस गेम को लेकर अब जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है ना, उनसे दिन ब दिन इस पबजी का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया की रीलॉन्चिंग पर लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है। तो दरअसल पबजी मोबाइल ने एक नया ट्रेलर भी सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज किया। और भारत सरकार की जब बात करें कि भारत सरकार का क्या कहना पबजी मोबाइल की रीलॉन्चिंग पर, तो इसको लेकर एक आरटीआई यानी कि राइट्स टू इन्फॉर्मेशन जो होता ना वो दायर की गई। और आरटीआई में क्या जवाब मिला पता? सरकार का यह कहना कि अभी तक भी सरकार की तरफ से पबजी मोबाइल कंपनी और सरकार के बीच में कोई चर्चा नहीं हुई है। पबजी मोबाइल को भारत में दोबारा लॉन्च करने को लेकर अभी तक पबजी या कार्टून कंपनी जो है और इसके और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, यानी कि डायरेक्टली अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। हालांकि कंपनी जो है वो लगातार सरकार से संपर्क करने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों एक आरटीआई में पबजी मोबाइल के भारत में दोबारा लॉन्च को लेकर स्पष्टता के लिए भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसमें आरटीआई लगा करके पूछा गया कि पबजी वापस कब लॉन्च हो सकता है, तो जवाब मिला कि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई है। जेम वायर ने आरटीआई फाइल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पबजी मोबाइल के भारत में वापसी को लेकर सवाल पूछा था। तो हालांकि दोस्तों अभी तक जितनी भी मतलब मीडिया में खबरें चल रही ना तो वो बेबुनियादी हैं, बेतुकी हैं। ऑफिशियल अपडेट अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा पबजी की रीलॉन्चिंग को लेकर। बाकी उम्मीद जरूर है कि कंपनी लगातार कोशिश करे और सरकार और कंपनी के बारे में अगर कोई टर्म्स बैठ जाती है तो वापस जनवरी फरवरी 2021 तक में ये पबजी वापस लॉन्च हो सकता है। ओके, तो देखते हैं आगे और ऑफिशियल क्या अपडेट देखने को मिलते हैं। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। अगर आप भी पबजी मोबाइल लवर्स हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी काम की खबर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स कभी मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।